मैं सौरभ राय अभी मौजूद हूँ रांची के प्रसिद्ध मोराबादी इलाके में। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मोराबादी इलाका पौश इलाके में आता है। यहाँ पे शिबू सोरेन जी से लेकर डीसी छवि रंजन जी तक का भी यहाँ घर है। यहाँ पर सुंदर पार्क है, जैसा अभी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पार्क का नज़ारा। और यहाँ पे शाम के समय पे युवा लोगों का भी भीड़ नज़र आता है। और यही खासियत है मोराबादी की कि यहाँ पे बुज़ुर्गों से लेकर युवा तक अपने शाम और सुबह का मॉर्निंग वॉक यहीं पे बिताते हैं। उस वीडियो में देखा कि मोराबादी का एक पहलू जहाँ पे हाई क्लास लोग और युवा वर्ग लोग अपना समय वहाँ बिता रहे थे, और अभी मैं मौजूद हूँ मोराबादी के उस हिस्से में जहाँ पर आम लोग निवास करते हैं। और यहाँ के रोड की स्थिति आप देखिए, मोराबादी के स्थानीय निवासी श्री अमन मेहता जी, सर आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। यहाँ का स्थानीय लोग होने के नाते यहाँ पे आपको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी कि आप आए। और ये जो रोड है, ये रोड बीते मुझे लगता है 6 महीना से अधिक समय हो गया। कोरोना काल में ये स्थिति हुई थी, क्योंकि वहाँ इस समय लोग कह रहे थे कि शायद कुछ पाइपलाइन आएगी वगैरह वगैरह, जो भी कार्य होती है राज्य सरकार केंद्र सरकार कर रही थी उसको लेकर कार चल रहा था। हमें कार से कोई दुश्मनी नहीं है, डेवलपमेंट की चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि रोड ऐसी तरीके छोड़ दे। वहाँ की रोडें पूरी रख सकते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पानी कितना रहता है आप सबों को पता है। दूसरी बात इसको लेके मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने सुना कि मैंने देखा कि सीएम सर निकल चले थे औचक निरीक्षण में, तो मुझे उन्हें बोलना है कि साइकिल में निकलिए सीएम सर। हेमंत भैया आप साइकिल में निकलिए तो बेनिफिट क्या होगा ना, पहला कि आप देख पाएंगे गड्ढा कितना है, क्योंकि आप इनोवा 20-22 लाख की गाड़ी से निकले तो कैसे देखेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा निवेदन है माननीय विधायक काके, विधानसभा से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने बोला भी है कि शीघ्र ही इस कार्य को करेंगे। और मैं 2 दिन पूर्व भी उनके पास इसी मुद्दे पर लेके गया था, और मेरी भी कुछ परीक्षाएँ हैं और मैं भी राज्य से बाहर हूँ, तो मैं वापस जाऊँगा और अपने विधायक से बोलूँगा कि ये जो दिक्कतें हैं परेशानियाँ क्लियर करें। और राज्य सरकार और जिनके पास ये मंत्रालय है पथ निर्माण विभाग, मुझे नहीं पता कि किनके पास है ये विभाग, और आपसे निवेदन सौरभ आप पता कर ले, उन्हीं से प्रश्न करें कि ये सस्ता हालत कब तक रहेगा। एम्बुलेंस जाती है, आप देख सकते हैं कि इस तरह गाड़ियां जा रही हैं, बार बार रेंग रहे रोड। और टाउन है, राजधानी रांची की अगर ये हालत है तो हम गाँवों में क्या उम्मीदें करेंगे। हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बनाए ताकि आम जनमानस एम्बुलेंस, आप मैं कहते कहते कि 20 ही एम्बुलेंस आ रही है, तो ये चीज़ को आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब मतलब क्या, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि सरकार क्या काम कर रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आभार करना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का कि आपने आया और ये मुद्दा को दिखाया, धन्यवाद। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार में जितने लोग हैं बैठे हुए और जो वेतन उठा रहे हैं, भत्ता उठा रहे हैं, वो सिर्फ खाने के लिए हैं कि कुछ करने के लिए भी हैं? जैसा कि आपने देखा किस तरह से लोग यहाँ पे परेशानी से जूझ रहे हैं, चलिए इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची के साथ रिपोर्टर सौरभ राय और कैमरामैन अनंत।